कैसे हो? तो यूपी ट्रिपल एससी जेई से बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट है। पेट से भी बात करेंगे, एग्ज़ाम पे भी बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो 18 सितंबर 2024 का नोटिस आउट हुआ है, आप देख सकते हो गाइस। और उसमें क्या क्या है देख सके, अवर अभियंता सिविल की 4612 पदों पे 7/5/2024 से लेकर 8/6/2024 तक फॉर्म भरा गया था। अब इसमें क्या क्या अपडेट है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई देखो यार, यहाँ पे अभी जो है सेवा में राम आश्रय राम उप सचिव सेवा में ये सारी चीज़ें डिटेल दी गई है। 11 सितंबर को नोटिस बना था, उन्होंने ये सारी चीज़ें पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो पहले नंबर न्यूज़ ये आ रही है, देखो अगर अभियंता की सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन तो लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एंड पाठ्यक्रम क्या है। इसमें अब देखो एक प्रश्न होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे तथा समयावधि 2 घंटा की होंगी और आपकी बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा में गलत पे आपको 1/4 होगा। CBT 1 1/2 भाई सिलेक्शन पक्का ले जाओ। तो सिलेबस बहुत आसान है भाई। बाकी जो आपका सिलेबस दिया है जैसे कि सामग्री की मजबूती एवं संरचना के सिद्धांत 5 मार्क्स 10 मार्क्स 5 है और 2 घंटे का पेपर होगा। तो ये पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पर आपको 15 मार्क्स का आपका कंप्यूटर की सूचना के बारे में दी गया भाई। उत्तर प्रदेश में संबंधित समान ज्ञान में जारी 20 टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, तो ये सारी डिटेल है। बाकी आप देख सकते हो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। बाकी ये सिलेबस है आप देख सकते हो। बाकी ये स्टील मशीन नॉर्मल सिलेबस है जो होता है हर एग्ज़ाम में, वो सिलेबस है आपको वो करना है। ठीक है, बाकी ये कंप्यूटर की सिलेबस है। कंप्यूटर की सूचना, तकनीकी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड क्या है, इतिहास, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईटी गैजेट उनका प्रयोग, बहुत आसान सिलेबस है यार। और थोड़ा सा यूपी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये भाग 3 में उत्तर प्रदेश का सिलेबस दिया है, इसके बारे में पढ़ लेना। बाकी ये इंग्लिश में दे दिया है तो 100 क्वेश्चन 1/4 वाला पूरा डिटेल यहाँ पर देखोगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 5, डिजाइन ऑफ RCC में 10 क्वेश्चन, स्टील एंड मशीनरी में 5, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में 5, सॉइल मैकेनिक्स में 5, फिर इसके बाद पूरा ये दिया है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट यहाँ देख सकते हो। तो ये चीज़ें दी गई 100 में 100, ये सारी चीज़ें आपको दी गई 2 घंटे का। ये पूरा सिलेबस है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इफेक्ट, फोर्स, टेंशन, बाकी ये सारी चीज़ें आपको दी गई। PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में टेक्निकल _exam1 में डाल दूँगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। बाकी अब देखो यार, अब कुछ चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। पेट का देखो, जिसने पेट भरा है उसका हो रहा है, जिनका पेट नहीं भरा है वो नहीं होगा। डिप्लोमा वाले अलाउड हैं जो पेट दिए हैं, बाकी बीटेक वाले वही अलाउड हैं जो पेट दिए थे, बस वही अलाउड है। वो पेटिशन के थ्रू जो भरे थे वही सारी, अदरवाइज़ आप दूसरे को कोई अलाउड नहीं है। तो बीटेक अलाउड इन द जिसने पेट दिया था, विदाउट पेट वाले चाहे डिप्लोमा हो या बीटेक हो वो अलाउड एकदम नहीं है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ कह नहीं सकते कि यार अब ये जल्दी से जल्दी ये न्यूज़ आ गई है। बट आपका अब एग्ज़ाम डेट भी, एक चीज़ समझ लो कि एग्ज़ाम डेट जल्दी से जल्दी भी आ जाएगा। एग्ज़ाम डेट में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, एग्ज़ाम डेट जल्दी गवर्नमेंट दे देगी, क्योंकि यार 3-4 महीने मान के चलो कि एग्ज़ाम डेट करा लेगी। ओके, तो यार मैं यही कहूँगा कि फोकस करो एग्ज़ाम में। UP SSC RRBJ SSC JEE और भी ऐसे सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।